हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट गाइस। सो वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग गाइस। सो मैं तो बहुत ही ट्रैवल कर रहा हूँ गाइस, और ट्रैवल ब्लॉग्स ही अपलोड कर रहा हूँ मेरे चैनल पर गाइस। सो आशा करता हूँ कि आप लोग ट्रैवल ब्लॉग्स में इंजॉय कर रहे होंगे। तो बहुत दिनों के बाद हम लोग अब एक कैफे पर आए गाइस, हुगली धारा में ना गाइस। बहुत सारे कैफे ओपन हुआ है अब से, तो कंटिन्यू फूड ब्लॉग्स आने वाले। थोड़ा आप नीचे जाएंगे ना गाइस, एक रेड और व्हाइट कलर में सब्सक्राइब का बटन है गाइस, उसको दबा देना और थोड़ा नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइस, और थोड़ा ऊपर आएंगे ना, उसके और एक थम्स अप बटन है, वो भी दबा देना। सो दैट मुझे हमको लगेगा कि मतलब जो हम लोग कंटेंट कर रहे हैं ना गाइस, वो पसंद आ रहा है आपको। जो ये कैसा है, मैं हुगली धारवाड़ कैफे का प्लेलिस्ट बनाऊंगा। सो प्लीज़ फूड लवर्स कौन कौन है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना आज इस ब्लॉग से। और गाइस, सब कुछ प्राइस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट उधर से आप लोग देख सकते हो। करके जाते हैं अंदर, डिश का आपको रिव्यू देते हैं गाइस, और सिनेमैटिक देता हूं और फूड भी टेस्ट करते हैं। नए साल की शुरुआत कैफे। यस, सो देखिए गाइस डोर अंदर जाने के लिए। सो कैसा हम लोग ने सजाया, देखिए गाइस मस्त करके सजाया है। गोवा में जैसे हम लोग कैफे विजिट किया ना, सेम वैसा ही लग रहा है। सो जाते हैं अंदर और गेमिंग जोन भी है। सो वो भी आपको दिखाता हूँ, देखते हो अंदर। यहाँ पर आप खा भी सकते हो और खेल भी सकते हो। ये फुल देख सकते हैं, फुल गेमिंग जोन है। आप लोग खा के प्ले स्टेशन भी खेल सकते हो। आप दोनों काम एक ही साथ कर सकते हो, जितना खाना आप खा भी सकते हो, चाहिए तो आप साथ में गेम भी खेल सकते हो। स्क्रीन है, चार बैग्स है, आप बैठ कर मस्त करके इंजॉय करके इधर खा भी सकते हो। इधर एम्बियंस है गाइस, ऑसम है। और जो उन लोग ने थीम यूज किया ना गाइस, मस्त थीम है, एकदम मस्त लगा गाइस। अब एक ही क्या है कि इधर मस्त करके हम लोग का डिश टेस्ट भी करेंगे, टेस्ट करने के बाद आपको मस्त करके इसका रिव्यू बता देंगे। तो इधर तक तो सो फार एंड सो गुड गाइस, एक ही है कि अच्छा डिश रहना चाहिए। वो तो हुआ तो श्योर आपको इस ब्लॉग पर बता दूंगा। गेमिंग जोन के लिए एक्स्ट्रा कुछ फीस है गाइस, कितना घंटे आप लोग खेलेंगे ना, जितना आपको पैसा भरना पड़ेगा। सो हम लोग तो ये नहीं खाए करेंगे गाइस, हम लोग जस्ट लाइक फूड खाएंगे, फूड इंजॉय करेंगे और आपको इस ब्लॉग पर बता देंगे। सो जाते डायरेक्ट ऊपर गाइस, फूड मोस्टली ऊपर आया रहेगा। सो हम लोग इधर बैठे हैं गाइस। सो ये फ्रेंड है गाइस, समन्वित। नहीं देखे गाइस, मेन्यू कार्ड इनका लग्जरी मेन्यू कार्ड है। ऊपर और एक जाने का है गाइस, ऊपर जाके थोड़ा दिक्कत था आपको। अभी तक हमने नीचे अंडरग्राउंड देखा था वो गेम जोन, और अभी हम यहाँ पर बैठे हैं। अभी हमको मालूम नहीं ऊपर और क्या क्या ऊपर है, ऊपर है शायद। सो जाके आते हैं और आपको वो भी बताते हैं। सब कौन सा भी पार्ट है ना गाइस, हम लोग मिस नहीं करेंगे, सब कुछ इस ब्लॉग पर आपको बता देंगे। आप देख सकते हो ट्री, सब लोग ने कुछ कुछ विशेष इस ट्री पर लिखा है। सो अच्छा लगा मुझे, सो मैंने शेयर कर दिया। अब जा रहे डायरेक्ट ऊपर। ये देखिए थोड़ा इधर हम लोग फोटो भी खींच लेंगे थंबनेल के लिए। तो हम लोग ने फोटो सेशन हो चुका है, और ये ना गाइस बैंकेट हॉल है, और इधर है ना गाइस बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन होता है फॉर मोर देन 50 प्लस लोगों के लिए। और यहाँ पर बैंकेट हॉल है गाइस, बहुत ही बड़ा हॉल है। अब जाते हैं डायरेक्ट नीचे, नीचे फुल हमारा डिश आ चुका है। और सो गाइस आ चुका है डिशेज सब, आप देख सकते हो गाइस। ये वेज का है, पिज्ज़ा और चिकन है। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका नाम सभी दे दूंगा। और प्रेजेंट इसका डेकोरेशन बहुत अच्छा लगा, कैरेट और ये ऑनियन कितना मस्त से काटा गया है। और मुझे तो ये चिकन का अच्छा लगा गाइस, साइकिल में उन्होंने हमको दिया है, जस्ट लाइक प्रेजेंटेशन वाइज मस्त है। सो स्लो भाई, स्लो स्लो खाने का भी है। अभी तक कितना डिश आया है गाइस, हमारे तो मुंह में पानी आ रहा है। अभी हम डिश को खाते हैं और आपको कब रिव्यू देंगे और कब खाएंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। पहले कौन सा डिश खाएंगे मुझे कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि तीनों डिश देखने में तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। पहला कौन सा खाएंगे हम डिश, पहले हम लोग पिज्जा से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इधर प्रेजेंटेशन वाइज तो मस्त है, पिज्जा का प्रेजेंटेशन देख सकते हो गाइस, सब कुछ इसमें ऊपर है ना गाइस, अपने मशरूम है और पनीर के पीसेस है गाइस, ऑनियन के पीसेस है। इतना है कि गाइस कितना टेस्ट इसका अच्छा हुआ, आप इधर देख सकते हो गाइस, पिज्जा का भी वेज से लोडेड है, फोर पीसेस है गाइस, एंड सभी पनीर कॉर्न ऑनियन सब मिक्स है। अब ये ट्राई आउट करते हैं, ट्राई आउट करेंगे आदर्श। मैं तो खाने के लिए बेताब हो रहा हूँ। सुबह नाश्ता किया क्या? नहीं सुबह नाश्ता किया था, पर ये सभी डिश देख के मुँह में पानी आ रहा है उतना ही। सो आप प्लेटिंग कर लेते गाइस, सो स्टार्ट करते गाइस। पहले आदर्श कट कर रहा है, देखते हो गाइस आप फुल चीज़ी पिज़्ज़ा है, ट्राई आउट करते हैं कैसा है बोल के। सो पहले हम लोग मस्त करके चिली फ्लिक्स सब लोग मसाला मसाला डाले थे दोनों लोग एक ही बार। हाँ एक ही बार टेस्ट करेंगे ना, उसमें क्या है। सो चेस गाइस, चेस तो बोलोगे, चेस गाइस। सो खा लेते हैं। ओके शोके शे गाइस, नॉट सो गुड, नॉट सो बैड। मुझे थोड़ा इसका
जो ब्रेड है ना गाइस थोड़ा हार्ड लगा, एक ही हुए है और ऊपर का टॉपिंग तो स्वाद आ रहा है, बट जो नीचे का आप लोग देख सकते हो उधर थोड़ा क्रंची क्रंचीनेस आ रहा है, वो सॉफ्ट बेस नहीं है गाइस, एक है ना गाइस वेजिटेबल्स है ना अच्छी तरह से कुक हुआ है और खाने के लिए स्वाद मस्त आ रहा है, भर भर के डाला गया है। हाँ, और एक ही इसमें डिसएडवांटेज है कि वो बेस थोड़ा और एक थोड़ा सॉफ्ट होता था ना गाइस, अच्छा लगता था। सो गाइस पिज़्ज़ा का तो हो चुका है, अब एक तंगड़ी कबाब आया है और वेज का एक डिश आया है, वो दोनों हम ट्राई करने हैं, वो दोनों ट्राई करते हैं और आ चुके हैं नेक्स्ट डिश पर। सो ये वेज कबाब है, इस कबाब का नाम मुझे मालूम नहीं गाइस, आपको इस साइड पर मिल जाएगा इस कबाब का नाम। मैं तो ये गाजर ही खाऊंगा क्योंकि मुझे गाजर बहुत पसंद आया, कैसा काटा है इन लोगों ने। तो प्रेजेंटेशन है गाइस, चुम्मेश्वर प्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हो जो कबाब है ना गाइस मस्त क्रिस्पी है, कुरकुरा है गाइस, फुल कुरकुरा है, अंदर कुछ मोस्टली मुझे बीटरूट लग रहा है ना, बीटरूट का ही कबाब रहेगा गाइस, वो देख सकते हो गाइस फुल आप। यस गाइस देखिए फुल चीज लोडेड चीज से भरा हुआ है पूरा और फुल कुरकुरा है गाइस, टेस्ट करने के लिए अब एक्साइटेड है गाइस मैं, अभी कब टेस्ट कर रहे ऐसा लग रहा है ना। पहले बिटोर चटनी से कहेंगे, बाद में हम लोग चटनी डाल के करेंगे। अब देखिए गाइस अंदर मुझे कुछ स्टफिंग ऐसा मालूम नहीं क्या क्या स्टफिंग है बोल के अंदर, बट जो कुछ दिख रहा है ना गाइस वाह ये भी लग रहा है गाइस, बट अंदर जो कुछ स्टफिंग रहे ना गाइस वो ऑसम रहेगा मुझे ऐसा लग रहा है, खा के ट्राई करते गाइस। सोचेस गाइस ये एकदम यूनिक टेस्ट है क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कभी खाया नहीं गाइस, बट टेस्ट है ना ऑसम टेस्ट है, मुझे इसका फ्लेवर कुछ मालूम पड़ रहा नहीं ना, मुझे चीज़ का फ्लेवर आ रहा है और हल्का सा कुछ चटपटा सा लग रहा है, ये डेफिनेटली इधर आके ट्राई आउट कर सकते हो आप। मुझे तो यहाँ पर आते हो ना ये खाना बनता ही है गाइस, क्योंकि मुझे तो वेज में ना ये अच्छा है। देखिए गाइस आप लोग बोलते हैं ना मैं वेज में ट्राई आउट नहीं करता बोल के, सो मैंने वेज ट्राई आउट कर दिया है, मुझे तो उतना चटनी का भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि ये कटलेट ऐसा ही खाने में वो तो है, तो ट्राई आउट कर देगा इस चटनी के साथ। सो चेस गाइस सीरियसली गाइस ऑसम है गाइस, विद चटनी के साथ खाए ना, चटनी के साथ तो टेस्ट इसका डबल है। ये मुझे वन ऑफ द बेस्ट वेज डिश लगा गाइस स्टार्टर में। सो अबे खा लेते हैं दस, ये देखिए गाइस मैं तो रुक ही नहीं पा रहा हूं, इसमें तो एकदम टेम्प्टिंग लग रहा है। और टोटली 6 पीसेस है गाइस, हम लोग ने बोनलेस मंगाया है, अब हम लोग इस चिकन पर डिश पर जाते हैं। सो प्रेजेंटेशन वाइज भी मस्त है, अब ये अंदर भी आपको ये ऑनियन मिलता है, चिकन जो हम लोग ने लिया है ग्रेवी वाइज तो फुल है गाइस और जूसी है, एंड देखिए गाइस कितना और अंदर देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, फुल्ली सॉफ्ट है, मतलब ग्रेवी देख सकते हो फुल ग्रेवी से भरा हुआ है। तो टेस्ट करते हैं आदर्श है सर गाइस, ऑसम है गाइस, टेस्ट थोड़ा यूनिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल है ना गाइस मसाला इसमें यूज़ किया है ना गाइस ऑसम, मतलब ऑसम है गाइस, स्पाइसी फ्लेवर दे रहा है, खाने के लिए स्पाइसी लग रहा है और चटपटा भी है गाइस, थोड़ा बोलते ना लेमन का स्क्वीज बोलते ना वैसे उसमें किया है, वो खाने के लिए मस्त लग रहा है गाइस। ऐसा डिश मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया था, सो पहली बार मैंने ऐसा डिश ट्राई किया है। आदर्श बोल कैसा लगा तुझे, थोड़ा खाने का थोड़ा कम कर और तू उधर ब्लॉग में थोड़ा बोल, सर थोड़ा ब्लॉग में ज़्यादा बोल, तू बोलता नहीं है तू खाने मुझे जो जो भी डिश पसंद आता है ना मैं वेट ही नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा लोगों के लिए थोड़ा तो बोल ना गाइस। और एक आ चुका है रोल दी मैंने बोल के गाइस, डिश का नाम है और गाइस ये डिश देख सकते हैं गाइस, तो बहुत अच्छा लग रहा है, फुल कुरकुरा डिश है गाइस, और अंदर से ना गाइस फुल चीज़ से लोडेड है और अंदर कुछ स्टफिंग लग रहा है ना आदर्श, बहुत सारे स्टफिंग अभी इसे खाने के बाद मालूम पड़ेगा। नहीं एक कॉर्न है देखिए गाइस, कॉर्न का स्टफिंग मुझे मालूम पड़ा है, अब देखना पड़ेगा कि अंदर क्या क्या स्टफिंग भरा हुआ है। आप लोग एक प्रेजेंटेशन दे सकते हो, ऑसम प्रेजेंटेशन है, सो प्रेजेंटेशन वाइज हम लोग कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते गाइस, प्रेजेंटेशन कभी भी इनका बहुत ही मस्त खूबसूरत लगता है गाइस देखने के लिए भी। ट्राई करते हैं आदर्श, सो चेस गाइस, सो इधर से चेस करना चेस, सो चेस गाइस ट्राई आउट करते गाइस। मसाला का उतना टेस्ट नहीं आ रहा है पर चीज़ का बहुत टेस्ट आ रहा है, टेस्ट वाइज मुझे कुछ मालूम पड़ा नहीं बट सो फार एंड सो गुड है गाइस मैं बोल सकता हूँ, तो ऐसा खाने के बाद तो टेस्ट कुछ आ रहा नहीं था। सो देखेंगे शेजवान चटनी क्या क्या ट्राई आउट करते हैं, तब थोड़ा तो डिश का टेस्ट आज है और मैंने भी सॉस लगा लिया है। सो ओके से गाइस इतना डिश मुझे चेंज तो नहीं रहा सॉस लगाने हाँ सो ठीक है, खाने में तो कुरकुरा लगता है गाइस, वेज लवर हो तो और कुरकुरा आपको पसंद है तो डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हो। आ चुका है हमारा दूसरा डिश, सो गाइस आ चुका है गाइस दूसरा डिश, हम लोग ने चिकन मंगाया है, चिकन आप देख सकते हो बट इसमें अलग ही सॉस ऊपर से डाला है, सॉसी लग रहा है गाइस, ऐसा चिकन ट्रैप मैंने कभी नहीं किया है, बट प्रेजेंटेशन वाइज तो अच्छा है, बट इतना है कि इसका डिश का नाम क्या था उसे आदर्श मालूम नहीं सॉरी गाइस मेरे डिश का नाम हम लोग भूल जाते हैं। देख सकते हो गाइस चिकन भी देख सकते हो, मतलब फुल फ्राइड आउट चिकन है गाइस,
आप जो चिकन चिल्ली में यूज़ करते ना गैस, ऐसा चिकन चिल्ली बनाया है इन लोग ने, मतलब वो जस्ट लाइक फ्राई आउट करके चिकन में ऊपर से कुछ सॉस डाला है, कुछ अभी तक टेस्ट नहीं किया गैस। टेस्ट करते आदर्श, हाँ, टेस्ट करते स्टाइल देखे। सो मैं तो ऐसा ही खाऊंगा गैस। सो चेस्ट कर, इसका चेस्ट करेगा तो गिरेगा गैस। सो ट्राई कर, खा ले गैस। ये तंदूरी सॉस है गैस, है हाफ फिश ले रहा तो आपको फ्रॉन्स मालूम रहेगा ना, सेम वैसा टाइप का टेस्ट आ रहा है और खाने के लिए मस्त लग रहा है गैस। हम लोग पहले सोच रहे थे कि ये अच्छा रहेगा क्या नहीं, मुझे अच्छा लगा गैस। देख सकते हो गैस इधर आप, ये देखिए फुल है, देखिए ये फ्राइड और चिकन है। सो अंदर है ना, अंदर चिकन है गैस, तो इससे रैप किया गया है। आप देख सकते हो गैस चिकन कितना छोटा है पीस है और जो रैप है कितना बड़ा है। ऑसम टेस्ट है डेफिनेटली, ये भी इधर आके ट्राई आउट कर सकते हो आप। चिकन लवर हो तो, हाँ चिकन लवर हो तो गैस, बजट में नहीं है गैस, थोड़ा कैसे थोड़ा उससे ऊपर ही है। आपको प्राइस के सभी ना गैस डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, तो उधर आप लोग चेकआउट कर लेना, और जो जो मैंने ट्राई आउट किया ना उसका सभी रिव्यूज है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, सो उधर आप लोग देख लेना गैस। पूरा खा के आपको मिलते हैं, मिलते गैस। और नीचे गेम सेक्शन आपको बोला था ना, हम लोग का गेम खेलने का प्लान है, प्लान हो रहा है, अभी तक 100% नहीं है। से मुझे देखने पर मछली लग रहा है, छोटी छोटी मछली। जाते हैं डायरेक्ट नीचे गेम खेलने के लिए, टाइम बचा तो। ये देखे, इसको बोलने का नहीं है गैस, ये भरे भरे खाने के लिए आया है। थोड़ा तो बोल, थोड़ा हमारे ऑडियंस के लिए तो बोल। चेस बोल रहे हैं। सो गैस पहली बार कैफे में हम लोग को बिल बॉक्स लेके कैसा आया है, पैसा भर भर के देना पड़ेगा। सो गैस अनबॉक्स कर लेते हैं इसको भी। ये देखिए और बिल आ चुका है गैस, स्लो कितना है गाइस, 1197 मतलब 1200 रुपये गाइस। सो पे करते बिल, हमारा खाना सब हो गया है, अभी हम गेम जोन के अंदर रहते हैं, हमको लाठी पहले से ही दिया गया। सो गाइस एक्टिविटी लॉन्च, सो जाते इधर, गेम पहले ही उन लोग ने कर दिया है सब लोग ने, अब ये खेलते गेम। मुझे सीरियसली कुछ पता नहीं है ये गेम कैसे खेलने का बोल के, बट समझने को थोड़ा खेल भी दिया इसने। ये खेलने में मजा आता है गाइस, मैंने लाइफ में कभी भी खेला नहीं है, मोबाइल भी खेलता था। सो ये देखे अक अच्छा खेल रहे ना आदर्श, कैरम आदर्श फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए अच्छा लग रहा है, अब तुम ट्राई करो। रेडी गाइस, 1 2 3 ये गया, फर्स्ट राउंड में फर्स्ट विजेता। कैसा लगा खेल के? खेल के तो हो चुका है, हम जाते हैं। सो मैं 2 बार हार चुका हूँ गाइस, बट 2 बार जीत चुका हूँ। सो मैं 1 ही बार जीता हूँ, बट खेलने के लिए एक्सपीरियंस मजा आएगा गाइस। पे ये कैफे आ रहे हो ना गाइस, सो डेफिनेटली ये कैफे विजिट कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। और गाइस की मैं बहुत सारे अब कैफे के ब्लॉग में करने वाला हूँ इस चैनल पर, सो पहले से ही सब्सक्राइब कलर का बटन दबा देना, सो दैट कौन सा भी आपको नोटिफिकेशन मिस ना हो। ट्रैवल भी करूँगा गाइस, अब ट्रैवल मैंने बहुत कर दिया है, अब फूड आया नहीं ना, इसलिए अब थोड़ा फूड में भी कॉन्सेंट्रेशन करेंगे और फूड का भी अब मस्त करके डालूंगा। सो मैंने तो ऑलरेडी ब्लॉग को एंड कर दिया उधर ही, सो आपको वहीं पर लेके चलता हूँ। सो जाते उधर ही लेके चलते हैं। और आपको कौन सा डिश देखा पसंद आया प्लीज कमेंट से बताइए गाइस, आपको कौन सा डिश पसंद आया। और इधर गेमिंग जोन का ना गाइस मस्त चिल हुआ, एक हम लोग ने आधा घंटा ना, सो आधा घंटा मस्त आराम से इधर मस्त करके खेले हम लोग, और आप और ही टाइम है ब्लॉग एंड करने के बाद, और 10-15 मिनट खेलेंगे हम लोग। सो गाइस ड्रीम बिग, स्टे सेफ एंड बाय गाइस, मिलता हूं नेक्स्ट ब्लॉग पर, टिल देन बने रहिए गाइस, बाय।